वेलकम टू जनरल ई पाठशाला। मैं साइड का मैंने ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले भी हम लोग एक क्लास यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस की, तो अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो आप आई कार्ड से वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सेशन है आपका वो आपका बहुत बेसिक लेवल का है, ट्रिपल सी के लिए या फिर आप उससे कोई भी बेसिक कोर्स कर रहे हों, बीसीसी या फिर कोई भी कोर्स जो कि आपका कंप्यूटर बेसिक पूछा जाता हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? UIDAI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, बैंक द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका UIDAI। ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड देखा होगा तो उसमें ये नाम रहता है आपका, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। ठीक है, ये क्या है, सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत, और किसके तहत की गई थी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। ठीक है, देखिए ये किस लिए इसकी स्थापना की गई, तो ये जो है आपकी आधार जो है एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु। ठीक है, हर एक नागरिक को, हर एक निवासी को यहाँ पे एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान हो, इसलिए इसकी स्थापना करी गई थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग जो नागरिक होते हैं वो दो दो आईडी से कुछ फर्जी काम कर लेते हैं, ऐसा ना हो इसलिए ये सब समाप्त करने के लिए किया गया, दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। TCP का पूरा नाम है, ट्रांसमिट कनेक्शन पार्ट, ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, ट्रांसफर कनेक्शन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा IP/ करके आपका TCP लिखा होता है साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग है, आपको बताना है। ए है UDP, बी है ALU, सी है कीबोर्ड या डी है A&B बोथ। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ALU। ठीक है, ALU क्या है, आपका सही आंसर है। देखिए, CPU क्या है, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके अंदर आपका ALU होता है, और आपका होता है CU, और उसके साथ साथ होता है MU। ठीक है, तो CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, और ALU का मतलब होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल में CC का पूरा नाम है, आपको बताना है। ईमेल में अगर आपने CC देखा हुआ है तो उसका पूरा नाम क्या है, क्रिएट कॉपी, साइबर कॉपी, कार्बन कॉपी या नन ऑफ बीच। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, कार्बन कॉपी। ठीक है, जब कभी आप मेल करते हैं, ठीक है, आपके पास एक तो ऑप्शन रहता है 2 का, जिसमें आप जिसको भेजने वाले हैं उसकी ईमेल आईडी आप डालते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में आपने CC भी लिखा देखा होगा, और साथ में आपने यहाँ पे BCC भी लिखा देखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ लिखी जाती है, अगर आपने नोटिस करा हो तो। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि मान लीजिए आप किसी को मेल आईडी भेज रहे हैं, सेम मेल आप किसी और को भेजना चाहते हैं, तो उसमें CC का नाम डाल के वही सेम मेल आप किसी और अदर पर्सन को भी भेज सकते हैं। BCC में क्या होता है, BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी आपका क्वेश्चन आपका बनता है BCC से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप किसी अदर पर्सन को यानी कि मेल कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप चाहते हैं कि जो मेल में मतलब आप लोग कर रहे हैं वो आपके बॉस को भी पता चले, तो आप क्या करते हैं, BCC में उनका मेल आईडी डाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे डालते हैं तो आप जिसमें जिसकी जो मेल आईडी CC और 2 वाले में डालेंगे उनको नहीं दिखेगा कि आपने BCC में कोई मेल करी है, लेकिन BCC में अगर जिसको आप रखते हैं वो ये देख सकता है कि आपने और किसको ये मेल करी है। ठीक है, तो यही काम होता है आपका CC और BCC का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से टॉगल केस का उदाहरण है। ये जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपने MS ऑफिस यूज नहीं करा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका MS ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि टॉगल केस अगर हम लगाएंगे तो कैसा आपका टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पहले मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ, थोड़ा सा आपको भी सही नहीं लग रहा होगा। इसका आंसर होगा सी, ये वाला,
ठीक है। अब देखिए कैसे क्या क्या मतलब है इसका। ये केस होते हैं हमारे, ठीक है। केस मतलब होता है अगर आप कोई मान लीजिए वर्ड लिखते हैं, अगर आप चाहते हैं उसका सिर्फ पहला जो आपका लेटर है वो कैपिटल रहे, बाकी सारा स्मॉल रहे, तो आप सेंटेंस केस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पूरा टेक्स्ट स्मॉल में रहे तो आप लोअर केस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट पूरा कैपिटल में रहे तो आप अपर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका जो भी लेटर है, पहला लेटर है हर वर्ड का, वो आपका क्या हो कैपिटल रहे, बाकी सारा स्मॉल रहे, तो आप ये वाला यूज करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड का। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्ड है पहला स्मॉल रहे और बाकी सारा कैपिटल, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आप टॉगल केस का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका देखिए टॉगल केस क्या होता है, कुछ ऐसा लिखा होता है, ठीक है। अगर आप कोई टेक्स्ट लगाएंगे तो उसमें इस तरह का कुछ अप्लाई होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा, सॉरी सी वाला हो जाएगा, ये वाला टॉगल केस कुछ इस तरह लिखा जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्राफिकल पैकेज आपको बताना है, इनमें से ग्राफिकल पैकेज कौन सा है, कोरल ड्रॉ, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कोरल ड्रॉ, ठीक है। कोरल ड्रॉ से हम लोग ग्राफिक्स रिलेटेड चीजें बनाते हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड हो गया, ठीक है, ऐसी कोई भी डिजाइनर ग्राफिक हम लोग कोरल ड्रॉ के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज यूनिट सबसे बड़ी है, आपको बतानी है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है एमबी, जीबी, केबी या फिर टीबी। देखिए अगर बात करें हम लोग तो सबसे बड़ी जो है वो हमारी टीबी है, ठीक है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट पे। एक बिट की बात करें तो एक बिट में आपका कहलाता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। देखिए 8 बिट में आपका होता है 1 बाइट, ठीक है, मतलब 1 बाइट आपकी 8 बिट के बराबर होती है। फिर 10-24 बाइट के अंदर आपका होता है 1 KB, फिर 10-24 KB के बाद बनता है 1 MB, 10-24 MB से बनता है 1 GB, देन 10-24 GB से बनता है 1 TB। तो ये टीबी आपका पूछा गया था, ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या जाएगा, टेराबाइट, ठीक है। फिर टीबी के बाद आपका आएगा पीबी, जो 10-24 TB में 1 PB होगा। तो देखिए जो आपका जितना मतलब यूज है वो ज्यादातर आपका टीबी तक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ तक, बाकी आपकी नॉलेज के लिए आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, तो इस पर हम लोग ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बाइट, 1 बाइट के बराबर होता है आपका 8 बिट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ए है टेलनेट, बी है एचटीपी, या सी है एचटीटीपी, या फिर डी है एफटीपी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका टेलनेट, ठीक है। ए जो आंसर है आपका वो टेलनेट सही हो जाएगा। देखिए रिमोट रिमोट लॉगिन की बात करें तो रिमोट लॉगिन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम आपके सिस्टम में कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मुझे आपके घर आना पड़ेगा, नहीं, हम जो है आपका सिस्टम अपने घर से बैठ के अपने सिस्टम से बैठ के आपके सिस्टम को चला सकते हैं। यही चीज होती है आपकी रिमोट लॉगिन। टेलनेट क्या है, एक सरल टेक्स्ट आधारित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे TCP/IP नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या है आपका, एक तरह का प्रोटोकॉल है जो रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर इंटरनेट के द्वारा हमारा हमारा कंप्यूटर यहाँ पे मिसिंग हो गया, हमारा कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है? यही क्या है, यही आपका रिमोट लॉगिन कहलाता है, ठीक है। उसके बहुत सारे ऐप आते हैं जैसे एनी डेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम से किसी और के सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, एडिटर है, या फिर ईमेल क्लाइंट है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ईमेल क्लाइंट, ठीक है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, आपका एक तरह का ईमेल क्लाइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह कहलाएगा, आपको बताना है कि ऐसा नेटवर्क, छोटा नेटवर्क होता है जो इंटरनेट की भी सुविधा देता हो और क्या है, कई कंप्यूटर का समूह हो, क्या कहलाएगा, ए होस्ट, बी एड्रेस, सी डोमेन, या फिर डी नोन ऑफ दी। इसका सही आंसर होगा ए होस्ट, ठीक है। देखिए होस्ट क्या करता है, होस्ट आपका मेल होता है जिसपे आप जिसके थ्रू आप इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और ये क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर का समूह होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, होस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
डैश के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, मतलब ये आपका मालवेयर जो है कंप्यूटर में संक्रमण फैला सकते हैं, पोर्टेबल डिस्क के द्वारा, ईमेल द्वारा, सीडी रोम द्वारा, फाइल डाउनलोड द्वारा। इसका देखिए सही आंसर होगा बी। सबसे ज्यादा जो वायरस आपका आता है वो आपका आता है ईमेल के थ्रू, ठीक है। जंक मेल, स्पैम मेल होती है, ये सारी क्या है आपके, आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं होता है कि जो है ये वायरस हो सकता है और आप उस मेल को ओपन कर देते हैं और उस मेल के थ्रू क्या होता है आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल। ईमेल के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप मेल डिलीट करते हैं तो वो डैश फोल्डर में चले जाते हैं। आपको बताना है अगर आप कोई मेल डिलीट करते हैं तो वो कौन से फोल्डर में जाते हैं, आउटबॉक्स में, ट्रैश में, रिसाइकल बिन में या आर्चीव में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ट्रैश, ठीक है। कोई अगर आप मेल डिलीट करते हैं वो सबसे पहले ट्रैश में जाएगी और वो लगभग 30 दिन तक रहती है, उसके बाद अपने आप वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। रिसाइकल बिन की बात करें तो अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई चीज़ डिलीट करते हैं, कोई फाइल, कोई इमेज या कुछ भी डिलीट करते हैं तो सबसे पहले बिन में जाती है। तो ये आपका हो गया आंसर ट्रैश, ठीक है। कोई मेल आप डिलीट करेंगे तो वो ट्रैश में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटर पेज के डैश में उपस्थित होता है, बताना है फुटर पेज कहाँ स्थित होता है, नीचे, ऊपर, बाएं तरफ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, देखिए फुट मतलब क्या होता है, पैर होता है, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है फुट कहाँ होगा, कहाँ होता है आपका पैर, नीचे होता है। तो फुटर भी आपका नीचे उपस्थित होता है, ठीक है। अगर आप एमएस वर्ड चलाते हैं, एमएस वर्ड अगर आपने यूज करा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पेज है, हेडर आपका ऊपर होता है और फुटर आपका नीचे होता है। हेडर भी आपका पूछा जा सकता है कि हेडर आपका किधर उपस्थित होता है, यहाँ पे फुटर की बात की तो वो नीचे होगा, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, आपको बताना है कि जंक ईमेल को और किस नाम से जानते हैं, स्पैम, स्पूल, स्पूफ या स्क्रिप्ट। सब बहुत ही इजी आंसर है, क्या होगा आपका, एक स्पैम, ठीक है। जंक मेल को हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो ये ईमेल्स कैसे आती हैं, आपकी बल्क में आती है, बल्क में यानी कि बहुत सारी एक साथ आती हैं ग्रुप में, आपको पता नहीं होता है कि वो वायरस हो सकता है और आप उसको ओपन कर देते हैं और उसके थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोटपैड है, आपको बताना है नोटपैड क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइंग एप्लीकेशन या फिर टेक्स्ट एडिटर। बहुत ईजी आंसर है, डी होगा आपका, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। नोटपैड क्या होता है, आप उसमें टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो ये चीज़ तो अलग ही हो गई। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमें पावर पॉइंट के बारे में आपसे सुना होगा, ये एक तरह का प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर है, और ड्राइंग के लिए आपका एमएस पेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिट का फुल फॉर्म है, आपको बताना है जो बिट है उसका पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका बाइनरी डिजिट, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, बाइनरी डिजिट यानी कि बिट को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रयोग होता है, आपको बताना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग किस किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, 0 से 7 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक और ए से एफ तक, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। 0 से 9 नंबर्स तक हम लोग यूज कर सकते हैं और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बाइनरी की बात करें तो उसका जो बेस होता है वो होता है 2, ठीक है, बाइनरी का बेस होता है 2, और ऑक्टल की बात करें तो उसका बेस होता है आपका 8, हेक्साडेसिमल का होता है 16। तो ये आपका हेक्साडेसिमल का हो गया, इसमें 16 होते हैं टोटल, 0 से 9 तक आपकी संख्याएं होती हैं और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। POS POS का अर्थ है प्रेजेंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सुपरविजन, पॉइंट ऑफ सेल या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा आपका सी, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़े थोड़े आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ट्रिपल सी में, कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ने, थोड़ा सा करंट आपका आता है बैंकिंग से रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक की वैधता अवधि होती है, आपको बताना है चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, वैधता मतलब वैलिडिटी तो कितनी होती है वो, जारी दिनांक से 4 माह तक, जारी दिनांक से 3 माह तक, जारी दिनांक से 1 माह तक या फिर अनलिमिटेड। तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, जारी दिनांक से 3 माह तक, ठीक है। किसी चेक की वैधता क्या होती है,
जिस दिन चेक जारी किए हो उससे 3 माह तक इसकी वैलिडिटी होती है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, जैसे शॉर्टकट की से रिलेटेड, फुल फॉर्म से रिलेटेड, और बहुत सारे एक्सटेंशन नेम, फाइल्स कौन कौन सी किसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। वहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके जीएस की जितने भी पोस्ट होती है वहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा, चाहे आप टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टा कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।